मेरा बचपन से जो शौक था वो लड़कों जैसा था। मैं बिल्कुल मतलब चाहती थी कि मैं लड़कों जैसी ड्रेसिंग करूं, हेयर कटिंग, क्रिकेट वगैरह खेलना अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ, अपने कजन्स के साथ, ट्रैवल एंड टूर्स वालों के साथ एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रही हूँ। कंपनी है एक, उसमें ना सिर्फ मुझे क्रिकेट बंटे वगैरह या गुल्ली डंडे का शौक था, साथ साथ मुझे बाइक का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब मेरा भाई चलाता था तो मुझे जेलसी होती थी कि मेरा भाई चला रहा है, मैं क्यों नहीं चला रही। तो जब से उसने लिया बाइक, वो सीख रहा था, तो साथ साथ मैं उसको फॉलो करती गई कि कहाँ से कैसे चलता है बाइक, कैसे चलाया जाता है। तो एक दिन भाई खड़ा करके गया हुआ था बाइक गैरेज में, तो मैंने ऐसे निकाला, बट मुझे उस तरह से सही नहीं पता था कि बाइक कैसे चलाते हैं। फिर वो मेरे से बाइक गिर गया, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते काफ़ी बार एक्सीडेंट भी हुए और मैंने बाइक सीख लिया। और बाइक सिर्फ मेरी अपनी ज़रूरियात ही नहीं पूरा करता, वो मेरे मोहल्ले में अगर किसी भी औरत के कोई नहीं है, सहारा उसका नहीं है या रिक्शे पे जाना है उसने तो किराए काफ़ी महंगे, वो मेरे साथ चली जाती हैं, पेट्रोल डलवा देती हैं मेरे बाइक में। ज़्यादा ऑफिस आने जाने के लिए भी मुझे बाइक की ज़रूरत पड़ती है और मैं अपना बाइक ले जाती हूँ। जब हमारे कॉलेज में कंपटीशन वगैरह हुआ करते थे तो मैं सबसे पहले पार्टिसिपेट करती थी। ज़्यादातर मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया और 3 से 4 दफ़ा मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो कॉलेज में भी टॉप किया, हर उस लिहाज से स्पोर्ट्स में मैंने टॉप किया, लॉन्ग जंप में भी टॉप किया एक बार, फिर SCO वालों ने की तरफ से हाइकिंग कंपटीशन था उसमें भी पार्टिसिपेट किया और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की। जी, हमारी सोसाइटी में जो है ये बाइक, लड़की का बाइक चलाना बहुत गलत समझा जाता था, पर मुझे मेरी फैमिली ने ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे अम्मी अबू ने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। पहले भाई ने काफ़ी मना किया क्योंकि सोसाइटी में जब लोग मुझे देखते थे कि लड़की बाइक चला रही है तो वो भाई को शिकायत करते थे कि आपकी बहन यहाँ से गई इतनी स्पीड में गई, तो भाई घर आके कहता था कि लोग मुझे ये बात क्यों बोलते हैं कि मेरी बहन यहाँ से जा रही है। फिर करते करते मैंने अपने मम्मा पापा को बताया, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, फिर करते करते भाई ने दी, फिर उसने अपना बाइक भी मुझे दे दिया और मैं उसके बाइक पर आती जाती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बाइक भी ले लिया, तो अब मुझे कोई भी तंगी नहीं है कहीं पर भी। बाइकें पर तो नहीं बैठ सकती अब किसी गैर के साथ, या रिक्शा पर बैठना भी मेरे लिए नहीं, मैं अपने आप को सिक्योर नहीं रख सकती वहाँ पे भी, तो इसलिए मेरा बाइक जो है तो ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। रास्ते में काफ़ी मसाइल भी हो जाते थे, कभी टायर पंक्चर हो जाना, कभी चेन उतर जाना, काफ़ी सारे मसाइल हुए भी हैं। तो फिर मेरे खुद मेरे लिए मार्केट जाना लाजमी होता था रिपेयर करवाने के लिए बाइक, तो मैं खुद अकेली जाती थी और करते करते मैंने खुद भी सीख लिया, मैं खुद भी रिपेयर कर लेती हूँ चीज़ें, और जब नहीं कर सकती तो मैं फिर मैकेनिक के पास जाती हूँ रिपेयर करवाने मार्केट में। मेरे एक भाई और मेरी अम्मी अबू यही कहते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं। लड़कियाँ सिर्फ जो है तो किचन की सफाई या खाने पकाने के लिए नहीं है, वो और भी बहुत काम कर सकती हैं। मुझे इस पर फख्र इस बात का है कि ये मेरे बेटों जैसी ही है, जो हमारे दिल में ख्वाहिशात थी वो वहीं की वहीं रह गई, तो इसने लड़कों जैसी करके दिखाया है। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से भी नवाजा है, मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा, बहुत सारी बच्चियों की ख्वाहिशात होती हैं कि वो गेमों में हिस्सा लें और आगे जाएं, तो मेरी जवेरिया ने ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पोजीशनें भी ली हैं, मुझे फख्र है इस पे। इसका फ़ायदा ये है ना कि हमारे बच्चे इधर नहीं होते हैं, तो जब ये हमें कहीं जाना होता है हम इसको फ़ोन करते हैं और फिर हमें ये आके ले जाती है। उसके बाद ये है कि अब आप देखें रिक्शे का किराया कितना ज़्यादा है, गरीब लोग हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते रिक्शे का किराया, तो फिर हम इसको बुलाते हैं, ये आती है और हमें ले जाती है। फिर हम जहाँ भी हॉस्पिटल जाना चाहें, स्कूल बच्चों को भेजना चाहें, बच्चियों को भेजना चाहें, हमें इस पर एतमाद है, हमारी अपनी बच्ची है, तो फिर हम इसके साथ अपने बच्चे भेज देते हैं, हम खुद जाते हैं। ज्वेलरी मेरी बेटी है, लेकिन मैं इसको बेटों से ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। तो हर वालदेन को ये चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर पूरा पूरा एतमाद करें। तो जब मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, ये 15 साल इसकी उम्र थी, तो ये माल भी बनाती थी, सीमेंट का बैग भी उठा के लाती थी जिसका वज़न 50 kg था, तो बेलचे वगैरह तमाम माल मेरे साथ वो भराई भी करवाती थी और सेम बच्चों की तरह काम करती, जैसे एक मज़दूर करता है ऐसे इसने मेरी तरह मेरे साथ काम किया, और मैं खुद भी करता था ये भी करती, मैं ठेकेदारी करता था, ये मेरे साथ अपने घर का काम मेरे साथ इसने करवाया। क्रिकेट इसका शौक है, ये खेलती रही है, तो बाइक छोटी उम्र में इसने सीख लिया था, मैंने उसको फ्री हैंड दिया, मैंने कहा अच्छा तो ये बाइक भी चलाती है। कोई भी घर का कोई भी काम है, राशन लाना हो ज्वेलरी लाती है, ये मुझे ज़रूर यानी कि इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि ये काम नहीं कर सकती, ये मेरे बेटों से अच्छा काम इसने किया।